बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम प्रयोजना ओ परिवेशनाय उल्लास इस्लामिक एसेट प्रोडक्ट्स रॉयल प्लाजा द्वितीय तला सीडीए मार्केट आमतल रियाजुद्दीन बाजार चट्टग्राम मोबाइल 01711263461 एवं 01815354650 अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قوله تعالى في شان عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باوقار علماء اکرام مفتیان عظام مشائخین ذوی الاحترام اور پیارے پیارے معزز سامعین حضرات اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس پاک بے نیاز جل شانہ نے ہم کو اللہ رب العالمین کی پسندیدہ جماعت کے مشن کو عام کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے قابل مبارکباد ہیں شیخ المشائخ مجاہد قوم و ملت حضرت پیر سید جعفر صادق مدظ اللہ نورانی جنہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جس کا عنوان یونیورسل صوفی فیسٹیول رکھا یہ نام اپنے اندر خود ایک فکر رکھتا ہے آج پوری دنیا کے اندر ہر طرف تباہی دہشتگردی اور بے چینی چھائی ہوئی ہے انسان انسان کا دشمن بنا ہوا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے یہ یونیورسل صوفی فیسٹیول جو ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے یہ پوری دنیا سے بے چینی اور دہشت گردی اور آتنکواد کس طریقے سے ختم ہوگا وہ صوفی فیسٹیول کے اندر چھپا ہوا ہے تاریخ شاہد ہے جب بھی دنیا کے اندر تباہی اور بربادی چھائی ظلم و ستم کے بادل چھائے اور انسان انسانیت کا دشمن بنا اللہ رب العالمین نے اس جگہ پر اس زمین پر اس دھرتی پر اس علاقے پر کسی نہ کسی صوفی کو ظاہر فرمایا ہے آج پوری دنیا کے اندر اگر نظر اٹھا کے دیکھیں تو انسان صوفیوں سے دور ہو رہے ہیں اولیاء اللہ سے دور ہو رہے ہیں مختلف جماعتوں کی شکل کے اندر صوفیزم کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے جب تک ہم صوفیوں سے اولیاء اللہ سے اللہ والوں سے جڑے ہوئے تھے 800 سالہ تاریخ ہم ہندوستان کی پڑھ کر دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جب تک ہم صوفیوں سے جڑے ہوئے تھے اللہ والوں سے جڑے ہوئے تھے تو امن اور چین پھیلتا چلا جا رہا تھا اور پوری دنیا امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا اگر آج ہم امن چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اولیاء اللہ سے جوڑیں کیوں
इसलिए कि ये अल्लाह के दोस्त होते हैं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह के दोस्त हैं वो लोग जो ईमान वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वाले को ही ये ताकत अता की है कि वो अमन का पैगाम देता है, इसलिए कि वो ईमान वाला है। ये ईमान वाले के अंदर ही खूबी होती है कि वो ना अपने हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाता है ना अपनी जबान से तकलीफ पहुंचाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम खुदा की वो मोमिन नहीं है, कसम खुदा की वो मोमिन नहीं है, कसम खुदा की वो मोमिन नहीं है जो अपने हाथ से और अपनी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाए। अगर कोई किसी को तकलीफ पहुंचाता है, अगर किसी को कत्ल करता है, किसी के माल को बर्बाद करता है, किसी की जान को नुकसान पहुंचाता है, तो समझ लेना कि इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, ये ईमान वाला नहीं है। अगर ईमान वाला होता तो अपने आप को तकलीफ में डालकर दूसरों को राहत पहुंचाता। ये पूरी तरीके से क्वालिटी सूफिया में मौजूद होती है। सूफी खुद भूखे रहते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। सूफी खुद प्यासा रहता है, दूसरे को पहनाता है। सूफी खुद अपने आप को मुसीबत में डालता है, आने वालों की तकलीफ का ख्याल करता है। सूफी खुद अपने आप को लोगों के लिए बिछा देता है और लोगों के लिए रास्ते बना देता है। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है जो हमें अल्लाह वालों से और सूफियों से दूर किया जा रहा है। इसलिए कयामत करीब है। अगर सूफीज़म पर और सूफी पर गौर करेंगे तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जमात जो तैयार करी जिनको सहाबा कहते हैं, वो सारे सहाबा सूफी थे। सारे सहाबा सूफी थे। और तमाम सहाबा के अंदर हम खुद कहते हैं कि तमाम सूफियों के सरदार, वलियों के सरदार अगर कोई हैं तो वो शहंशाह विलायत, मौलाए कायनात, मौला अली मुश्किल कुशा। अब इस बात से खुद फैसला करें हम, जब वलियों के सरदार, सूफियों के सरदार मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हैं, तो मौलाए कायनात मौला अली क्या साहिब साहबी रसूल नहीं है? ये सिलसिला आलिया चिश्तिया कादरिया के अंदर, सोहरवर्दिया के अंदर ये इब्तिदा से मशहूर है कि तमाम सलासिल के सरदार मौलाए कायनात है। और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के भी है, लेकिन अगर कोई ये कहे जी मौलाए कायनात के अलावा बताओ तो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अंदर आए, तो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के सरदार जो है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो पता ये चला कि सबसे पहली जमात सूफिया की सहाबा की है। अगर कोई सूफियों से हटा रहा है तो वो सहाबा की जमात से हटा रहा है, सहाबा के काम से हटा रहा है। अब कोई नबी नहीं आएगा कयामत तक। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मिशन ताजदार कायनात का कयामत तक चलेगा। नबुवत का दरवाजा बंद है लेकिन विलायत का दरवाजा खुला हुआ है। ये जमाना वलियों का जमाना चल रहा है, सूफियों का जमाना चल रहा है। जिस तरीके से इब्तिदा के अंदर सहाबा की जमात सूफिया से मुंसलिक है, इसी तरीके से सबसे आखिर के अंदर आखिरी सूफी आखिरी वली जाहिर होंगे जिनका नाम हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम। इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम भी एक सूफी होंगे, एक वली होंगे, एक पीर होंगे, कोई नबी नहीं होंगे। तो इब्तिदास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सूफिया से, क्योंकि अल्लाह सूफिया को वो इल्म अता फरमाता है, वो इल्म अता फरमाता है जो मकतब में नहीं पढ़ाया जाए। अभी मैं बंगला तो जानता नहीं, इसलिए तर्जुमे के लिए खड़े हुए हैं तर्जुमान। मेरे से पहले मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया बयान कर रहे थे। मैं जबान तो नहीं समझ रहा था लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान से बयान कर रहे थे और ये बता रहे थे
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वली को वो ही अता फरमाता है सूफी को जो किसी मकतब में नहीं पढ़ाया जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आलिम को नहीं था, क्योंकि वो सूफी के बाद जब इल्म आ गया तो वो खुद आलिम हो गए, यानी वो इल्म किसी मकतब में नहीं पढ़ाया जाता। जिसके पास इल्म आता है वो खुद आलिम हो जाता है। बगैर इल्म के कोई वली नहीं हो सकता, सूफी नहीं हो सकता। अगर इल्म है उस पर अमल है तो वो सूफी है। सूफी के पास वो इल्म होता है जो किसी मकतब में नहीं, क्योंकि दुनिया बदलती रहेगी। आज हमारे मकातिब के अंदर, मदारिस के अंदर जो दर्स दिया जाता है वो वही चला आ रहा है, वही बुखारी शरीफ, वही मुस्लिम शरीफ, वही तिर्मिज़ी शरीफ, वही दर्स है ना। अब आज के दौर में कोई हमसे सवाल करे मॉडर्न अंदाज में और वो हमने मकतब में नहीं पढ़ा, तो जवाब कैसे देंगे? और ये हर दौर में रहा है। देहरिये और मुनाफिक और अल्लाह वालों के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, इस्लाम के चाहने वालों से, मानने वालों से हमेशा ऐसे सवाल करते रहे हैं और करते रहेंगे जिसका जवाब हमने मकतब में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी जवाब दिया जाए। एक जरा सा इशारा एक बात का मैं आपके गोश गुजार कराना चाहता हूँ, जरा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ी। जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, बुलंद आवाज से पढ़ो, पढ़िए बुलंद आवाज से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, हाँ। अब एक बात और बता दो, क्योंकि वक्त हो गया लंबा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आपकी जबान का नहीं हूं। कितने लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बता दो। माशाल्लाह, अरे वाह, देखिए ये खानकाहे राय भंडारिया का फैज है कि जो जबान नहीं जानते वो भी हाथ उठा रहे हैं। इसका मतलब ये सब सुनना चाहते हैं। तभी आशिक ने कहा, करम जब भी शाहे तस्नीम को सर कर दिया तुमने, खुदा शाहिद के कतरे को समंदर कर दिया तुमने। ये इल्म किसी मकतब में नहीं पढ़ाया जाता। एक इशारतन एक वाकया, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम तो आप सब जानते होंगे, और मेरे से पहले अभी उनका वाकया भी बयान किया गया। बंगला में बोल रहे थे, मुझे नहीं मालूम वाकया क्या है, नाम लिया गया इसलिए मैं जानता हूं। बायजीद बुस्तामी, मुझे इसकी परवाह नहीं। आप अगर, क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं मजमे में, एक बस्ती के अंदर मौलाना साहब मेरे जैसे उर्दू बोलने वाले चले गए, पठानों की बस्ती थी वो, सारे लोग पश्तो जानते थे, आप बंगला जानते हैं, वो पश्तो जानते थे, और पूरे मजमे के अंदर एक अल्लाह का बंदा ऐसा था जो बहुत मस्ती के साथ हर थोड़ी देर में कहता था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना साहब ने सोचा पूरे मजमे में यही एक समझदार है जो मेरी बात को समझ रहा है, यही है। बड़े खुश हुए कि कोई तो है। जब जलसा खत्म हुआ, मौलाना साहब ने उसी को बुलाया, भाई इधर आओ, इधर आओ, बात सुना, तुम्हारे कुछ समझ में आया? वो कहने लगे, ओ भाई कसम खुदा की हमारे कुछ समझ में नहीं आया। कह ले, अरे आप तो बड़े सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उछल उछल के कह रहे थे। कह ले, हाँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पता क्यों कह रहा था? जब तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते थे और बात आगे लेकर चलते थे तो मैं समझ जाता था ये आदमी प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात कर रहा है, इसलिए मैं सुभान अल्लाह कहता था। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सिनान के बुतखाने में चले गए, मजमे के अंदर भीड़ में खड़े हुए हैं। जब सारे बड़े बड़े पीर उलमा, बड़े बड़े पादरी जमा हो गए, उन्होंने अपनी रूहानी
कुव्वत से अंदाजा लगा लिया कि आज हमारे इस मजमे के अंदर कोई मोहम्मदी आ गया है। तो उन सब के बड़े पीर ने कहा कि तुम में से कौन मोहम्मदी है वो सामने आ जाए। और जो मुरीद थे चेले थे उनमें जोश आ गया, कहने लगे मिलने तो उसके टुकड़े कर देंगे, हड्डी पसली तोड़ देंगे, चूरा चूरा कर देंगे। मैं बोले जा रहा हूँ, सुना दी, समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, ये फैजान है खानकाह राह भंडारिया का, माशाल्लाह। अगर पीर से मोहब्बत होगी तो कसम खुदा की हर मैदान के अंदर समझते हुए चले जाओगे, क्योंकि रहबर ही वो होता है जो समझाने वाला और दिखाने वाला होता है। रहबर जो है ये रास्ता दिखाने वाला, रास्ता समझाने वाला, रास्ता चलाने वाला है। और ये तो ऐसे रहबर हैं कि इनके साथ तो जाफर भी जुड़ा हुआ और सादिक भी जुड़ा हुआ, इनका अपना कुछ है ही नहीं। नाम की बरकतें भी हैं, जाफर की भी बरकतें हैं और सादिक की भी बरकतें, इसलिए कि महीना भी ये जाफर सादिक वाला है, फातिहा भी मौला है कायनात की भी होगी और जाफर सादिक की भी होगी। तो बायजीद बस्तामी इस भीड़ में खड़े हुए, पादरियों ने कहा, रूहानियत के पेशवाओं ने कहा, कौन है मोहम्मदी सामने आ जाए, अगर नहीं आएगा तो हम खुद पकड़ के निकाल लेंगे। जब हमें इतना अंदाजा हो गया कि आज मोहम्मदी आ गया इसमें, तो हमें खुद अंदाजा पकड़ लेंगे। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह निकलकर सामने आ गए, आइए आइए हजरत, आ जाइए, आपका इंतजार था, आ जाए। जब आ गए तो लोगों ने चाहा कि हम इनको तकलीफ पहुंचाएं, मारें, इनकी कुटाई करें, पिटाई करें। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, वो झगड़ा नहीं चाहते, जिनके बाद जरा सी भी इल्मी सलाहियत है, रूहानियत है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इल्मी सलाहियत रखने वाले, वो झगड़ा नहीं चाहते। तो जो नीचे थे वो तो चाह रहे थे मारें, पीटें, कूटें। जो उनके बड़ों ने कहा, रहबरों ने कहा, नहीं नहीं, इसको हम मारेंगे नहीं, हम सवाल करेंगे कुछ, अगर इन्हें सवाल के जवाब दे दिए तो सही है, छोड़ देंगे, और नहीं दिया तो कत्ल कर देंगे। भाई हम तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, करिए जनाब, क्या है? अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो छोड़ देंगे, और नहीं दिया तो कत्ल। क्या सवाल है जी? क्या बताओ, वो एक क्या जिस जैसा दूसरा नहीं, वो दो क्या जिस जैसा तीसरा नहीं, वो तीन क्या जिस जैसा चौथा नहीं, वो चार क्या जिस जैसा पांचवा नहीं, वो पांच क्या जिस जैसा छठा नहीं। ये सवाल है, वो एक क्या जिस जैसा दूसरा नहीं। अब ये मकतब में पढ़ाया जा रहा है, ऐसा सवाल आएगा मकतब में? ये तो नहीं आएगा। वो एक क्या जिस जैसा दूसरा नहीं, वो दो क्या जिस जैसा तीसरा नहीं, वो तीन क्या। बात बड़ी लंबी है, बस यही यहां से बताना चाह रहा हूँ, ये ऐसा इल्म है, ये किसी मकतब में नहीं पढ़ाया जाता है, ये तो निगाहों से पिलाया जाता है और दिल में उतारा जाता है। कहा अगर मैं जवाब दे दूं फिर क्या होगा? कहा जान बख्श देंगे, छोड़ देंगे। कहा जान बख्शवाने थोड़ी आया हूं मैं यहां पर, मुझे अल्लाह ने मेरी जान बख्शने के लिए थोड़ी भेजा है कि तुम मेरी जान बख्श दो। अरे अल्लाह ने मुझे तो तुम्हें बख्शवाने के लिए भेजा है, ताकि तुम्हें जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नत के बागीचे में पहुंचा दूं। कहा फिर क्या? कहा अगर मैं आपके सवालों के जवाब दे दूं तो इसके ऊपर कोई और बात करें, जान मरी, जान तो एक दिन जानी है। अच्छा, अगर तुमने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो जितने भी यहाँ पर लोग हैं इस बुतखाने के अंदर, जितने पादरी हैं, आलिम हैं, रूहानी पेशवा हैं, हम सब के साथ अभी पढ़ लेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। और जवाब नहीं दिया तो कहता है जी ठीक है, सवाल करो। वो एक क्या जिस जैसा दूसरा नहीं, कहा वो एक अल्लाह है जिस जैसा दूसरा कोई नहीं है, अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई सानी नहीं है। कहा वो दो क्या जिस जैसा तीसरा नहीं, कहा वो दो जो है, एक का नाम जमीन है, दूसरे का नाम आसमान।
वो तीन क्या जी जैसा चौथा नहीं। कहा एक का नाम अर्श है, दूसरे का नाम कुर्सी है, तीसरे का नाम लोहे महफूज है। कहा वो चार क्या जी जैसा पांचवा नहीं। कहा वो अल्लाह की चार मुकद्दस किताबें हैं, तौरात इंजील और जबूर और कुरान। कहा वो पांच क्या जी जैसा छठा नहीं। कहा वो पांच वक्त की नमाज है जो मुसलमानों पे फर्ज की गई। इस तरह सवाल होते रहे। अब बताइए ये इल्म किसी मकतब में मिला? ये कहाँ मिला? ये सूफिया की महफिल में, औलिया अल्लाह की महफिल में, अल्लाह वालों के दरबार में, अल्लाह वालों की सोहबत के अंदर। जो बात जो राज़े हक मकतब में खुलने से रह गया, वो पीर के दरबार के अंदर खुल गया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।